आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसएसपी की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। आए मामलों में से कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। नवागत बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने संभाला जिले के बीएसए का कार्यभार, कहा नए सत्र को सुचारू रूप से संचालित करना, छात्रों और शिक्षकों में आपसी सामंजस्य बनाए रखना तथा शासन की योजनाओं को सुचिता पूर्वक संचालित करना ही मुख्य प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित हुआ बैठक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के दिए निर्देश। वादकारियों को समय से न्याय दिलाने के उद्देश्य से एसएसपी ने शुरू किया ऑपरेशन न्याय, कहा विवेचक और वादकारी साथ बैठकर करेंगे मुकदमों का निस्तारण। प्रभारी एसडीएम सदर की अध्यक्षता में स्पोर्ट कॉलेज के कुश्ती हॉल में आयोजित हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। प्रभारी एसडीएम सदर ने कहा तहसील दिवस में आए 14 मामले, 2 का मौके पर किया गया निस्तारण। गोरखपुर में शनिवार को मिला मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,335। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। 40 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में लगाया गया अस्थि रोग संबंधित हेल्थ कैंप। प्रशिक्षु आरसीओं के हेल्थ की गई जाँच, दिया गया उचित परामर्श। शनिवार को जिला अस्पताल सहित 25 केंद्रों पर 6,364 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा लक्ष्य के सापेक्ष हो रहा है वैक्सीनेशन, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। खजनी प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से चुने गए सत्येंद्र बहादुर सिंह उर्फ पप्पू सिंह ब्लॉक अध्यक्ष। अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा के बैनर तले कसौधन राजनीतिक मंच के तत्वाधान में आयोजित हुआ चिंतन शिविर। राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने पर हुई चर्चा। शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को बंद रही महानगर की दुकानें। साप्ताहिक बंदी का मिला जुला रहा असर। और लगातार 2 दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे लोगों को शनिवार की सुबह हुई झमाझम बारिश से मिली राहत। आपदा विभाग के अनुसार 19 जुलाई को भारी बारिश की है संभावना।